है एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट फ्रेश रूमर्स एपिसोड 1। आज के फ्रेश रूमर्स में हम बात करेंगे एप्पल और गूगल के पार्टनरशिप के बारे में। अब एप्पल iOS 18 में जेमिनी आई के फीचर्स को लाने के लिए गूगल से डिस्कस कर रहा है, जो कि टेक की दुनिया में एक अलग धमाल मचा देगा और हम आपके मन में चुलबुला रहे सारे सवालों का जवाब देंगे। तो मैं हूँ मिस्टर फारूक और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट तक बने रहे। हाल ही के रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के अकॉर्डिंग एप्पल iOS 18 में आने वाले कुछ नए फीचर्स को नेक्स्ट लेवल करने के लिए एप्पल गूगल के जेमिनी आई का लाइसेंस देने के लिए गूगल के साथ डिस्कशन कर रहा है। जिन्हें जेमिनी आई के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, ये गूगल का जेनरेटिव लार्ज लैंग्वेज एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम AI मॉडल है, जिसे पहले ब्रॉड के नाम से भी जाना जाता था, बट हाल ही में इसका नाम चेंज करके जेमिनी रख दिया गया। रूमर्स के अकॉर्डिंग इस साल में iOS 18 एंड iPhone 16 के रिलीज होने के बाद एप्पल अपने आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में जेमिनी आई के फीचर्स को लाने की पॉसिबिलिटी है। गुरमन के पिछली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल खुफिया तौर पर एप्पल GPT का टेस्टिंग कर रहा है, जो ओपन AI के चैट GPT के साथ मुकाबला कर सकता है, और एप्पल अपनी AI रिसर्च के लिए हर दिन लाखों डॉलर खर्च कर रहा है, क्योंकि लैंग्वेज मॉडल को ट्रेंड करने के लिए बहुत सारे हार्डवेयर की जरूरत होती है। एप्पल हमेशा से अपने प्रोडक्ट्स में यूनिक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में सबसे आगे रहा है। अपने आईफोन के लिए गूगल के जेमिनी आई को इंटीग्रेट करके एप्पल अपने डिवाइस को पावरफुल AI फीचर के साथ नेक्स्ट लेवल चीजें करना चाहता है, और ये नेक्स्ट लेवल चीजें आप भी कर सकते हैं। तो हम लेकर आए एक ऐसा शॉर्ट ब्लॉग जिसमें आप लेटेस्ट लीक एंड रूमर्स के बारे में जान सकते हैं बस कुछ ही मिनटों में, जिसे आप iboosto.com से सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लॉग लंबे लंबे आर्टिकल लिखते हैं, जिन्हें पढ़ने में आपको कई सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है और इसे समझने में काफी टाइम लगता है, बट iboosto अपने ब्लॉग में मेन पॉइंट्स को कवर करता है और सिंपल तरीकों में समझाने की कोशिश करता है, जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने टेक एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बात करें कुछ ऐसे बातों के बारे में जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गूगल ने 20 साल से सफारी ब्राउजर को एप्पल के डिफॉल्ट ब्राउजर बनाए रखने के लिए 18 बिलियन डॉलर यानी 1500 करोड़ रुपए एप्पल को पेड करता है, जिससे एप्पल और गूगल के वैल्यू के बारे में पता चलता है। अगर गूगल और एप्पल कोई डिसीजन लेते हैं तो इसका अनाउंस वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2024 इवेंट में हो जाएगी, जिसमें iOS 18, macOS 15 एंड विजन OS 2 के बारे में रिवील होगा, जो मार्च के लास्ट में स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो क्या एप्पल के इस डिसीजन से आप सेटिस्फाइड हैं, और क्या दोनों के कोलैबोरेशन से टेक की दुनिया की एक अलग पहचान बनेगी? फिलहाल आपका ओपिनियन क्या है इस रूमर्स को लेकर, तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के साथ रहें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और हम जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।